ये जीवन का असली मजा। तो मैं तो लेने वाला हूँ इस सनसेट का मजा। हेलो वेलकम बैक, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लास्ट तक देखो। तो हम कल रात को पहुंचे वापस चंडीगढ़ से अपना शूट करके, और मेरी सारी स्किन टैन हो गई उस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी वहाँ पर, तो बहुत मुश्किल से शूट किया हमने वहाँ पर। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोलन। रोहित का बर्थडे था 2-3 दिन पहले, लेकिन हम लोग बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मिलते हैं और एक छोटी सी पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, वापस मिलते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, तो उससे पहले हम देखते हैं, मैं उसको बाजार में जाके मिलता हूँ सोलन में पहले, और फिर चलते हैं कहीं और लेते हैं यहाँ से ऑटो और निकलते हैं सोलन की तरफ। और ये पहुंच गए हम सोलन मार्केट। अब मिलते हैं रोहित को और कॉल करते हैं उसको, पूछते हैं कहां पर है वो। तो मेरी कॉल पे बात हो गई उससे, वो चरण पार्क में मेरा वेट कर रहा है एज ऑलवेज। तो मैं सीधा वहां जा रहा हूं अभी और मिलते हैं उसको। अरे कहां छुप कर बैठा है, कहां छुप कर बैठा है? ओह भाई साहब, आप यहां? और हमारा प्लान बन चुका है कि हम लोग जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे, पर हमने अभी लॉन्ग ड्राइव के लिए ये डिस्कस नहीं किया है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे उसको गाड़ी में जाते जाते। ही इज़ अ बर्थडे बॉय। तो हम लोग पहुँच गए हैं अपनी गाड़ी के पास और हम लोग निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो थोड़ा ही दूर है जहाँ हम जा रहे हैं। तो हमारा प्लान बना है कि हम लोग जा रहे हैं अश्वनी घाट, एक छोटी सी नदी है वहाँ पर, उसके पास बैठेंगे और वहाँ पर जाके रिलैक्स करेंगे। बहुत दिनों से मिले नहीं है क्योंकि तो बहुत सारी गप्पे बाकी है करने के लिए, तो वो करेंगे वहाँ पर। ढूंढ रहा था कुछ स्नैक्स, अभी तक मिला नहीं है कुछ नहीं खाने के लिए, अभी ढूंढते हैं और कहीं शॉप्स में जाके। और ये पैक हो गए हमारे कुलचे, कुलचे खाते हैं। और वी आर ऑलमोस्ट देयर, पहुँच ही गए हैं हम। अब हम कहीं गाड़ी पार्क करेंगे और चलते हैं नदी के पास। और ये रही हमारी डेस्टिनेशन जस्ट यहाँ से 100 मीटर दूर, और हम वहाँ जा रहे हैं अभी, आराम से बैठेंगे नदी के पास चिल करने। और ये जंगल के रास्तों से वॉक करते हुए हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन तक, यार हमारी फेवरेट जगह पे, और जाएंगे और बैठेंगे चिल करेंगे। आजकल जैसे वैसे पूरा का पूरा, क्योंकि बंद है, नहीं चल रहा है, सीज़न ऑफ है, तो बंद है सब कुछ, बट हम तो बैठ सकते हैं फिर भी आके, क्योंकि ओपन स्पेस है। तो ये देखो सारा का सारा ग्रीनरी, और आज मौसम बहुत अच्छा है। मौसम अच्छा इसलिए है क्योंकि धूप नहीं है, बादल बादल है, तो बहुत ही सही लग रहा है। वो लोटस लग रहा है यहाँ पर। और ये रहा हमारा छोटा सा स्पेस यहाँ पर। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा आजकल घास वास उगी है यहाँ पर, तो यहाँ बैठेंगे हम, थोड़ी देर चिल करेंगे और इस नज़ारे का मज़ा लेंगे। नदी चल रही है यहाँ से थोड़ा परे, जाएंगे थोड़ी देर नदी के पास। तो हमें हो गया लगभग यहाँ पर 2 से 3 घंटे हैं, और रिलैक्स मतलब बिल्कुल ही, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ के। तो चिल करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, तो अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी देर में वापस जाने का प्लान बन रहा है, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। तब तक चुपचाप बैठ के आराम से चिल कर रहे हैं हम लोग। ये जीवन का असली मज़ा, ठंडी ठंडी हवा और घास पे लेटने का मज़ा, मज़ा आ गया। मतलब आज का दिन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है यार, बहुत ही मस्त। और ये ऑलमोस्ट जाने का टाइम हो गया। देखो सनसेट का टाइम है, आहिस्ते आहिस्ते सूरज ढल रहा है, और ये रहा नज़ारा। तो मैं तो लेने वाला हूँ इस सनसेट का मज़ा। तो मैं तो मज़ा ले रहा हूँ इस इवनिंग का, अब आराम से यहाँ बैठूंगा थोड़ी देर और सनसेट को एंजॉय करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दो वीडियो पे, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।